नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश मौसम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी तो कई जगहों पर अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग की मान तो अगले 3 दिनों के दौरान 25 से अधिक जिलों में भारी भयंकर बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी है। तो अगर आप भी मध्य प्रदेश के जबलपुर, कटनी, भोपाल, सीधी, बड़वानी, ग्वालियर, धार, उज्जैन, हरदा, शिवपुरी, मंदसौर, रायसेन, शाजापुर, विदिशा, श्योपुर, अशोकनगर, सतना, गुना, खंडवा, डिंडोरी, होशंगाबाद समेत मध्य प्रदेश में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले, गांव, क्षेत्र में रहते हैं, यानी कि दोस्तों आप मध्य प्रदेश में कहां पर रहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। तो दोस्तों, मौसम विभाग की मिली लेटेस्ट और ताजी जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में तेज हवाओं के साथ बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, कुछ जगहों पर यहां पर जो ना थोड़ी बहुत गर्म रहने के हालात भी देखने को मिल रहे हैं, खासकर दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, सतना, रीवा, सिंगरौली, सीधी, शहडोल समेत थोड़ा गर्म है, लेकिन बरसात की गतिविधियों के साथ यहां पर बिजली चमकने को लेकर भी चेतावनी है। जी हां दोस्तों, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, झाबुआ, धार, आगर, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, सीहोर, देवास, शाजापुर और यहां पर डिंडोरी, अनूपपुर समेत कई जगहों पर बरसात की गतिविधियों के साथ बिजली चमक सकती है। येलो अलर्ट की बात की जाए तो यहां पर जो ना नीमच, मंदसौर, आगर, राजगढ़, रायसेन, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, अनूपपुर, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, झाबुआ, इंदौर, खंडवा, उज्जैन, रतलाम, साजापुर समेत कई जगहों पर बरसात की गतिविधियों को लेकर येलो अलर्ट है। ऑरेंज अलर्ट और भारी बरसात की गतिविधियों के साथ यहां पर दोस्तों पूरे रतलाम, उज्जैन, देवास, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, बैतूल, खंडवा, खरगोन, धार, बड़वानी, अलीराजपुर समेत इन जिलों में दोस्तों यहां पर बताया जा रहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में बरसात की गतिविधियों के साथ अलर्ट भी जारी रहेगा और मध्य प्रदेश का मौसम बदला सा भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो मध्य प्रदेश में जो ना विभिन्न हिस्सों में मानसून ट्रफ मध्य समुद्र तल पर अब जैसलमेर, कोटा, शिवपुरी, डाल्टनगंज और पुरलिया और कोटई से होकर पूर्व की ओर पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। वर्तमान में 3 चक्रवाती परिसंचरण, पहला पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तरी बिहार और दूसरा उत्तर पश्चिम हिमालय, पश्चिम बंगाल होते हुए असम के और है, दूसरा दोस्तों कच्छ के ऊपर, तीसरा पूर्वोत्तर राजस्थान के ऊपर सक्रिय हो रहा है। इसी वजह से मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर बदलाव है। गरज चमक के साथ हवाएं चलने के साथ मध्य प्रदेश में भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम और यहां पर बुरहानपुर, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन और यहां पर देवास, शाजापुर, आगर, मालवा, मंदसौर, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, कला, मऊगंज, सिंगरौली, मेहर, अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, छिंदवाड़ा, पांडुना, सिवनी, मंडला, बालाघाट, दमोह, सागर, छतरपुर, निवाड़ी में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलेगी तो कई जगह पर बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट और चेतावनी जारी है। बताया जा रहा है कि दोस्तों मध्य प्रदेश में जो अगले 2 दिनों तक मध्य प्रदेश में मौसम बदलेगा। कई जगह पर भारी बरसात को लेकर ऑरेंज अलर्ट, तो कई जगह पर दोस्तों 11 जुलाई से ज्यादा बरसात होगी, ऑरेंज अलर्ट भी जारी है। अगले 24 घंटों के दौरान खास करके नर्मदापुरम, बैतूल, रीवा, मऊगंज, सतना, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, मेहर, पांडुना जिलों में भारी बरसात की गतिविधियों को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया और चेतावनी भी जारी है। इसी के साथ दोस्तों यहां पर जो ना मौसम विभाग की मान तो बिजली गिरने के कारण 13 मवेशियों की जान चली गई, यानी कि दोस्तों इंसानों के साथ साथ जानवरों का भी हालात बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि बरसात की गतिविधियों के कारण, बिजली चमकने के कारण और ठनका गिरने के कारण बार बार जगहों पर दोस्तों बरसात की गतिविधियों के साथ काफी हादसे देखने को मिल रही है। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, साजापुर, आगर, मालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, कला, सिंगरौली, सीधी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी में हल्की से मध्यम बरसात के साथ वज्रपात को लेकर चेतावनी, तो कई जगहों पर अलर्ट भी जारी किया गया। आप किस जिले, गांव, क्षेत्र में रहते हैं पूरे मध्य प्रदेश के हमें कमेंट करके जरूर बताना। वही दोस्तों, आपके यहां पर अभी बरसात हो रही नहीं या फिर आपके यहां पर अभी मौसम कैसा हमें कमेंट करके जरूर बताना। इसी के साथ मध्य प्रदेश के एक एक जिले की बात की जाए तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जबलपुर में 27-28 दिन में 34 के आसपास तापमान, कल दोपहर के समय गर्मी थी लेकिन शुक्रवार शनिवार से अच्छी खासी बरसात और बिजली चमके की। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट भी जारी किया गया और मौसम में ठंडक के साथ विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन होते भी नजर आ सकता है। इसी के साथ दोस्तों कटनी के मौसम में बदलाव, 2 दिन छिटपुट और गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार तक अच्छी खासी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम में ठंडक रहेगा, मौसम मिला जुला रहेगा और तेज हवाओं के साथ परिवर्तन है। मौसम विभाग की मान तो भोपाल में जो है पूरे 7 दिन अच्छी खासी बरसात और बिजली चमकेगी। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम में ठंडक, मौसम मिला जुला रहेगा और परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है। सीधी में आज अच्छी खासी बरसात होगी, शुक्रवार को अच्छी खासी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट, उतार चढ़ाव जारी, तेज हवाओं के साथ परिवर्तन है। यहां पर बड़वानी में दोस्तों बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तक अच्छी खासी बरसात और बिजली चमकेगी। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया और मौसम में ठंडक है। ग्वालियर में दोस्तों पूरे 7 दिन छिटपुट बरसात होगी, मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी, बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी है। धार में दोस्तों पूरे 7 दिन छिटपुट बरसात, मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी है। उज्जैन में 2 दिन अच्छी खासी बरसात और बिजली चमकेगी,
सकेगी और बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी है। हरदा में दोस्तों पूरे सात दिन अच्छी खासी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया है। शिवपुरी में पूरे सात दिन 30-31 के करीब तापमान रहेगा। मौसम ठंडा सोना है तो कई जगहों पर बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी भी जारी की गई है। इसी के साथ मंदसौर में दोस्तों आज अच्छी खासी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया है। रायसेन में दोस्तों दो दिन छिटपुट गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार तक अच्छी खासी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट भी जारी किया गया है। शाजापुर में दोस्तों यहां पर पूरे सात दिन अच्छी खासी बरसात होगी, बिजली चमकेगी। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम में ठंडक है। विदिशा में दो दिन छिटपुट गुरुवार शुक्रवार शनिवार तक अच्छी खासी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी है। श्योपुर में दोस्तों बूंदाबूंदी जारी है कुछ जगहों पर छिटपुट, तो कई जगहों पर मौसम थोड़ा गर्म भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। अशोकनगर में दोस्तों गुरुवार तक अच्छी खासी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। मौसम में ठंडक है। सतना में पूरे तीन दिन अच्छी खासी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। मौसम में ठंडक भी देखा जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों गुना में पूरे सात दिन छिटपुट बरसात होगी। मौसम में ठंडक रहेगा। मौसम मिला जुलाए परिवर्तन रहने के साथ चेतावनी है। यहाँ पर खंडवा में दोस्तों जो ना पूरे सात दिन अच्छी खासी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। मौसम में ठंडक, मौसम मिला जुला रहेगा और परिवर्तन देखने को मिलेगा। डिंडोरी में दोस्तों पूरे सात दिन भारी बरसात भी हो सकती है, बिजली चमक सकती है। 30-31 के करीब तापमान रहेगा। बरसात की गतिविधियों के साथ बिजली चमकने को लेकर अलर्ट, उतार चढ़ाव जारी। मौसम में ठंडक और परिवर्तन होगा। होशंगाबाद में दोस्तों 26-27 रात के समय दिन में 33-34 गुरुवार से लेकर शनिवार रविवार तक अच्छी खासी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। मौसम में ठंडक, मौसम मिला जुला और परिवर्तन रहेगा। सिंगरौली की बात करें तो 27-28 रात के समय दिन में 33-34 गुरुवार शुक्रवार को अच्छी खासी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम में ठंडक रहेगा, मौसम मिला जुला रहेगा और बादलों की वजह के साथ परिवर्तन भी विभिन्न क्षेत्रों में रिकॉर्ड की जा सकती है। इसी के साथ उमरिया में दोस्तों जो है पूरे सात दिन अच्छी खासी बरसात होगी, बिजली चमकेगी, उतार चढ़ाव जारी है। तेज हवाओं के साथ परिवर्तन, मौसम ठंडा सोना, मौसम मिला जुला रहेगा। रतलाम में दोस्तों बूंदाबूंदी जारी है, उतार चढ़ाव जारी है। तेज हवाओं के साथ परिवर्तन, मौसम ठंडा सोना, मौसम मिला जुला रहेगा और बादलों की वजह के साथ परिवर्तन है। राजगढ़ में आज अच्छी खासी बरसात होगी, अगले 24 घंटों के दौरान छिटपुट बरसात जारी रहेगी। देवास में बादलों की वजह के साथ बुधवार गुरुवार शुक्रवार तक अच्छी खासी बरसात और बिजली चमक सकती है। छतरपुर में शुक्रवार शनिवार को अच्छी बरसात और बिजली चमक सकती है। अलीराजपुर में अगले 24 घंटों के दौरान अच्छी बरसात होगी। बुरहानपुर में पूरे सात दिन अच्छी खासी बरसात और बिजली चमक सकती है। भिंड में पूरे सात दिन छिटपुट बरसात होगी। सागर में गुरुवार शुक्रवार शनिवार तक अच्छी बरसात और बिजली चमकेगी। नीमच में आज अच्छी खासी बरसात और मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी है। मौसम विभाग की मान तो पूरे के पूरे दतिया के मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। पन्ना में दोस्तों तीन दिन अच्छी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट है। सीहोर में पूरे चार दिन अच्छी खासी बरसात और बिजली चमक सकती है। रीवा में तीन दिन अच्छी खासी बरसात और बिजली चमकने को लेकर अलर्ट है। शिवनी में गुरुवार से लेकर पूरे सात दिन अच्छी खासी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी। यहाँ पर शेडोल में चार दिन अच्छी खासी बरसात और बिजली चमकने को लेकर अलर्ट जताया जा रहा है। दमोह में शनिवार रविवार तक दोस्तों मौसम बदलेगा। अगले 24 घंटों के दौरान गर्मी रहेगी, लेकिन गुरुवार शुक्रवार से अच्छी खासी बरसात और बिजली चमकेगी। टीकमगढ़ में शुक्रवार शनिवार को अच्छी खासी बरसात और बिजली चमक सकती है। झाबुआ में अगले 24 घंटों के दौरान बरसात और बिजली चमक सकती है। इंदौर में पूरे सात दिन अच्छी खासी बरसात और बिजली चमक सकती है। मुरैना में दोस्तों पूरे सात दिन छिटपुट बरसात होगी। नरसिंहपुर में गुरुवार शुक्रवार शनिवार तक अच्छी बरसात और बिजली चमक सकती है। बालाघाट में गुरुवार से लेकर सात दिनों तक अच्छी खासी बरसात होगी। मंडला में गुरुवार शुक्रवार शनिवार तक अच्छी बरसात और बिजली चमक सकती है। छिंदवाड़ा में अच्छी बरसात और भारी बरसात को लेकर अलर्ट है। बैतूल में दो दिन अच्छी खासी बरसात और बिजली चमकेगी। अनूपपुर में पूरे सात दिन अच्छी बरसात और बिजली चमक सकती है। आगर में पूरे सात दिन छिटपुट बरसात। निवाड़ी में तीन दिन छिटपुट और शुक्रवार से अच्छी खासी बरसात और बिजली चमक सकती है। और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के मौसम में बदलाव के साथ परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है। आप किस जिले गांव क्षेत्र में रहते हैं पूरे मध्य प्रदेश के, हमें कमेंट करके जरूर बताना।